हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग और वेलकम टू न्यू व्लॉग। सुबह से अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8:15। ये देखिए, तीन आज संडे है, बच्चों की भी छुट्टी है। बच्चे अभी नाश्ता करके नीचे गए हैं और अभी मैं आई हूँ रूम में, क्योंकि रूम में सारा कुछ फैला पड़ा हुआ है। तो पहले मैं रूम को अच्छे से कर लेती हूँ, ठीक ठाक सा, उसके बाद फिर बर्तन भी पड़े हुए हैं, बर्तन भी साफ़ करने हैं। लाइट आ जाएगी, और जो कल कपड़े धुले थे मैंने, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी और वो अधकाल ले गए थे, अभी उनको भी फैलाना है। धूप निकल चुकी है, मशीन में ड्राइनर में पड़े हुए हैं, तो उनको निकाल के भी फैलाना है। अभी तभी फैलाऊंगी जब बर्तन धोऊंगी, क्योंकि फिर बंदरों का तो पता रहता है कब आ रहे हैं। और अब मैं रूम में रहूँगी, उन्हें मैं फैला के आ जाऊँगी तो पता भी नहीं चलेगा, बंदर ले जाएगा कुछ ना कुछ ज़रूर। तो जब मैं उधर रहूँगी तभी फैलाऊँगी उन्हें वहाँ। तो चलिए पहले रूम को कर लेते हैं। देखिए बेड पे भी सारा कुछ बिखरा हुआ है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उन्होंने अपनी सारी बुक यहाँ लगा दी है। इधर तो अक्की की है और इधर इधर जिया की है, आधी आधी अलग अलग रखी है, नहीं तो इनकी हो जाएंगी। और आज सारा दिन काम फैला रहेगा, क्योंकि बच्चे घर पे ही हैं और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो काम पूरा दिन नहीं ख़त्म होते। तो चलिए फिर लग जाते हैं अपने काम में। तो अभी कपड़े फैला दूंगी जो मैंने मशीन में ड्राई करके रख लिए थे। मौसम तो वैसे ही रहते हैं, गर्मी हो रही है सुबह से ही, पता नहीं आगे क्या होगा। जब अभी इतनी गर्मी हो रही है, धूप देखिए निकलते ही पूरी तेज़ आ जाती है। और अब तो हमारे चौक में शाम तक ही धूप आया करेगी, सर्दियों में तो इधर धूप दिखाई भी नहीं देती, पर गर्मियों में तो पूरा शाम तक ही रहती है यहाँ पे। और इधर कपड़े धोने भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि धूप ही धूप रहती है जिधर मशीन रखी हुई है हमारी उस तरफ। तो एक जोड़ी मेरे थे कपड़े, वो थे और बच्चों की ड्रेस थी, बस यही रह गए थे। तो ये मैंने धो के ड्राई करके रख दिए थे, फैलाए नहीं थे, क्योंकि फिर रात में वैसे भी कहीं जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा सुबह में ही फैला दूँ। अब तो फिर भी कुछ लाभ नहीं है, रात को वैसे सूख भी जाते, पर मैंने बस निकाले ही नहीं थे कि सुबह कोई निकाल दूँगी। और इधर धूप अच्छी खासी आती है, अब जब मशीन उधर थी तो उधर डाल लेते थे कपड़े सारे जाले पे, और अब इधर रख ली तो अब सारी कोशिश यही रहती है कि सारे कपड़े यहीं पे आ जाएं, पर सारे कपड़े यहाँ पर आ नहीं पाते, कुछ खाट पर डाल देते हैं, कुछ ऊपर डाल जाते हैं। ज़्यादातर तो कोशिश यही रहती है कि जब ये सूख जाएंगे दूसरे डाल देंगे, कि यहीं पर सूख जाएँ सारे, क्योंकि अब तो थोड़ी सी धूप बहुत रहती है। आज मोनिका को भी लेने के लिए जाएंगे, मोनिका भी आ जाएगी शाम तक, मेरी कोथली भी आएगी। तो अभी मैं फटाफट से अपना सुबह का काम निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर खाने पीने के काम में भी लगना है और काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें भी। तो अभी मैंने कपड़े तो डाल दिए हैं, आज मैं मशीन नहीं लगाऊँगी, क्योंकि आज कपड़े नहीं हैं, जो भी थे मैंने कल ही निपटा लिए थे। अब तो जो बच्चे नहाएंगे वो निकालेंगे, वो कल धुल जाएंगे, आज मशीन नहीं लगाऊँगी, आज रहने देते हैं, वैसे ही काम ज़्यादा रहेगा आज। आज मुश्किल हो जाएगा फिर कपड़े धोने, अगर मैंने मशीन लगा भी दी, और आज ज़्यादा होंगे भी नहीं, थोड़े ही होंगे, उतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो आराम से धुल जाएंगे कल। कल बच्चे स्कूल भी चले जाएंगे सुबह ही सुबह, और फिर सारा काम हमारा आराम से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जब घर में होते हैं तब कुछ ज़्यादा ही काम सा फैल जाता है, और ये सुबह स्कूल चले जाते हैं फिर तो आराम से करते रहो पूरा दिन काम। तो मेरे एक फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि आप पनीर घर पे कैसे बनाते हो, तो मैंने सोचा चलिए जब मैं बना ही रही हूँ तो आप सबके साथ में भी शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी आप सबको बताया है। तो यहाँ पे ये मैंने दूध लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप मट्ठा, मट्ठा ना हो तो दही भी डाल सकते हैं, और अब तो गर्मियों में वैसे भी मट्ठा खट्टा सा रहता है, तो 1 कप से कम भी डाल सकते हैं। और मट्ठा डालने से ही बहुत ही अच्छा पनीर फट जाता है, हम तो अब जब भी फाड़ते हैं वही डालते हैं इसमें मट्ठा ही, और कुछ नहीं डालते। नींबू भी डाल सकते हैं अगर मट्ठा ना हो तो, नींबू निचोड़ के उसको उसके रस को भी डाल सकते हैं, उससे भी फट जाता है पनीर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पनीर फाड़ने के लिए, तो और भी तरकीबें हैं, पर हम ज़्यादातर मट्ठे या फिर दही से ही फाड़ते हैं। ये देखिए अभी अच्छे से तैयार हो चुका है, अब मैं इसको मार्किन में छान दूँगी। मम्मी से बोल रही थी कि एक बार इसको छनवा दो, क्योंकि मार्किन बाल्टी पे रखते हैं तो उसका नीचे जाने का खतरा रहता है,
वैसे अगर बड़ी सी छन्नी हो तो उसमें भी आराम से छन जाता है, पर हमारे यहाँ बड़ी सी छन्नी नहीं है, इसी वजह से हम मार्केट में छान रहे हैं। अगर आपके पास छन्नी है तो आप छन्नी में भी निकाल सकते हैं। और मट्ठा कब डालना है दूध में, जब दूध अच्छी तरह से पक जाए, उबाल आ जाए, तब उसमें मट्ठा डाल दो तो बहुत ही जल्दी से दूध फट जाता है। तो यहाँ पे मैंने मार्किन में अब इसको छान लिया है, गर्म हो रहा था, बहुत डर लग रहा था कि छींट ना लग जाए मम्मी के हाथ पे। और इस पर मैं थोड़ा सा अभी पानी भी डाल दूँगी जिससे कि ये धुल जाए, जो मट्ठे की वो होगी इसमें खटास वो निकल जाएगी धोने से। फिर मैं इसको निचोड़ के और इस पर कुछ भारी सी चीज़ रख दूँगी, चकला या फिर कुछ और भी भारी सी चीज़ हो वो रख दो इस पर 10-15 मिनट के लिए। और थोड़ी देर के लिए मैंने ये फ्रिज में रख दिया था, उठा के फ्रिज में भी रखा होगा मैंने 15-20 मिनट के लिए, और बहुत ही अच्छा पनीर होगा था। आगे वीडियो देखते जाइएगा, आप सबको दिखाऊंगी कैसा हो गया था हमारा पनीर, और ये झटपट से तैयार हो गया था। अगर चाहें तो साथ के साथ ही पनीर हम तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पनीर साथ के साथ ही तैयार कर दिया, मुझे आज ही बनाना था दोपहर को ही, और आज ही मैंने पनीर बना के, जब तक बनाने का टाइम हुआ तब तक हमारा पनीर तैयार हो गया था। तो अभी मैं इसको रख दूँगी कुछ भारी सी चीज़ रख के 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद 10-15 मिनट के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब तक कि मैं इसकी छोंक की तैयारी करूँगी तब तक पनीर हमारा एकदम सेट हो जाएगा। बीच बीच में और भी काम देखने पड़ते हैं, बच्चों को नहाने का पानी भी दे रही थी बीच बीच में, और अपना वो भी देख रही थी काम। यही हो जाता है संडे वाले दिन, बिजी डे इसी वजह से कहते हैं संडे को, क्योंकि बच्चों के भी कई सारे काम हो जाते हैं। मम्मी भी अभी नीचे देख रही थी, पशुओं को नहला रही थी, तो उनको ही कुछ बता रही थी शायद, कह रही थी कि झाड़ू से कर लो, रड़का टूट जाता है ना पानी में भीग के, इसी वजह से। तो आज तो पूरा दिन ऐसे ही फैला रहेगा काम। और इधर हवा भी चल रही थी, तो हवा में कूड़ा भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है। अभी मैं सब्ज़ी बनाने के बाद ही करूँगी झाड़ू पोछा, सब्ज़ी को छोंक लगा के। और सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी आलू टमाटर और पनीर। आप बोलोगे तो हो ही, बहुत सारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि आपका तो रोज़ यही रोना रहता है। वैसे मेरा आज मन नहीं था वीडियो डालने का, आप देख ही सकते हैं मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही थी और अब कहाँ है, बिल्कुल ही अटक चुकी है, हद हो चुकी है बिल्कुल ही। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, हमारी जॉइंट फैमिली है, सबको वीडियो में भी लेते हैं और सारा कुछ आप सबके साथ में शेयर करते हैं, और फिर पता नहीं मिस्टेक कहाँ हो रही है जो कि आप सब वीडियो को पसंद ही नहीं कर रहे हो। बहुत ही कम फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो देखिए जितने मेरे सब्सक्राइब हैं कम से कम उतना तो वीडियो को एक बार देख ही ले। मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सभी मेहनत करते हैं और सबको फल भी मिलता है, वैसे सभी की वीडियो अगर थोड़ी सी भी चला के देख ले तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है इस चीज़ से, और किसी का भला हो जाए तो कितना अच्छी बात है। वैसे मैं तो यही सोचती हूँ कि सभी का भला हो, जितनी भी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूबर हैं उनकी सबकी हेल्प करनी चाहिए। पता नहीं किसे क्या ज़रूरत है, किस वजह से इतनी मेहनत में लगे हुए हैं, घर का काम भी और वीडियो का भी देखना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही हार्ड पड़ जाता है ये सब करना, और मेरे जैसी के लिए तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं बहुत ही सीधी और साधारण हूँ, वो तो आप सबको वीडियो में भी पता चलता है, और आप सब बोलते भी हो कि आप बहुत ही सीधी सादी हैं। तो ये देखिए पनीर बनके तैयार हो चुका है, खाना बिल्कुल तैयार है। अब मैं खाना सबके लिए कर रही हूँ तैयार, पहले इनको दे दूँगी फिर सब खा लेंगे गरम गरम। अभी यहीं पर आए सब बाहर, तो थोड़ा सा मेहमानों के खाने में टाइम ज़्यादा लगता है एक्स्ट्रा, आप समझ ही सकते हैं, काफ़ी तरह की तैयारी भी करनी पड़ती है। अपने खाने में और मेहमानों के खाने में थोड़ा सा अंतर तो हो ही जाता है। तो बस अभी यहाँ पे थाली लग चुकी है, एक कटोरी में तो आलू टमाटर की सब्ज़ी हो जाएगी, एक में पनीर की, दही का वो मैंने छोंक दिया है, रायता सा, रायता नहीं है, दही छोंक दी है। और बस अब उनको देने के बाद फिर पापा जी, भाई साहब, मम्मी सभी खा लेंगे गरम गरम, बच्चों को भूख लगी हुई है वो भी खा लेंगे। आप सब भी आ जाइए, खा लीजिए खाना। क्या कोई एक शब्द चला दो बस दुनिया बावली हो जा उसके पीछे ही। एक वो एक बार कोई छाई वा।
एक तो मोहित की बहुत बढ़िया लगी मेरा वीडियो उसके सिर पर खुद अरे ओ तेल का हाथ लगा दिए एक ही तो बढ़िया जिम वाली कल कल एक अरे एक खाली कर दिए मुझको दो गिलास होती है पपीता दो गिलास पपीता कर दो पपीता फाड़ दर कर देता है देखो मैंने जूस को आता एक के खाली कर आज फेरा वाली अबे कल दिन रोक कर ले ये ज्यादा सिर मारना पड़ा ना हंसी मजाक के में मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ बस थोड़ी देर के लिए मैं अपने भाई के पास आई थी क्योंकि ये चले जाएंगे अब और बोल रहा था कि सामान निकाल लो फिर पारुल के यहाँ भी जाना है मेरी बहन के यहाँ भी जाएगी अभी कोथली तो मैं सामान ही निकालने के लिए आई थी और बस थोड़ी सी देर इनसे बातें की उसके बाद फिर अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है किचन का भी और पोछा भी नहीं लगा था फिर पोछा भी अभी लगाऊंगी क्योंकि फिर मैं खाने पीने के काम में लग गई थी तो अभी सारा काम ऐसे पड़ा हुआ है बर्तन वैसे थोड़े ही रह रहे हैं आधे से ज़्यादा तो मैं धो के ही आई हूँ और जो थोड़े से रह रहे हैं वो अब धो लूँगी पहले इनका काम कर लेते हैं फिर इनको लेट हो जाएगा क्योंकि फिर कोथली दे के जाना भी है और काफ़ी टाइम लग जाता है अभी वैसे शायद 1:30 बज रहा होगा गाइस आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है पंखा भी चल रहा है अभी मैंने बच्चों के कपड़े प्रेस की है देखिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा मुझे कमेंट भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट